देश भर में कोरोना महामारी से लाखों प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज क्षेत्र में राष्ट्रीय महामार्गों पर छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े माता पिता के साथ 1500 किलोमीटर पैदल चलकर यूपी बिहार अपने गांव की ओर मजदूर भूखे प्यासे जा रहे हैं। यह दर्दनाक मंजर देखकर इन मजदूरों के लिए गोपालगंज के प्राचीन औधरदानी और मंदिर न्यास बोर्ड मीरगंज के दानी कार्यकर्ता संकट मोचन बनकर सामने आए हैं। कार्यकर्ताओं ने भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें पैदल चल रहे मजदूरों को वितरण किया। समिति के सदस्यों ने अपने मनोगत से कहा कि यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार हमारी सेवा भाव प्रयासी मजदूरों के लिए चलती रहेगी। अगर किसी समाज सेवी संगठन को आगे आकर इन महान कार्य में मदद करनी है तो हम उनकी मदद लेकर ज्यादा से ज्यादा पैदल चल रहे मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों का पलायन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और पंजाब में हो रहा है। पैदल, ठेला, ऑटो से लोग अपने घरों की ओर पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसी विकट परिस्थिति इससे पहले न कभी देखी और न कभी सुनी है। प्रवासी मजदूरों को भगवान शक्ति और आत्मबल प्रदान करे, उनकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा दे, यही बात प्राचीन औधरदानी मंदिर न्यास बोर्ड के समिति अध्यक्ष विनोद व्यास ने और कोसा अध्यक्ष ऋषि व्यास ने कहा। हमारे समिति के द्वारा इन प्रवासी मजदूरों जो कि दूर से चलकर अपने निवास स्थानों के लिए जा रहे हैं, हमारे निकटतम शहर गोपालगंज जिला के NH पर हमारे मीरगंज समिति द्वारा, औगड़दानी समिति द्वारा उन सभी प्रवासी मजदूरों के भोजन की व्यवस्था की गई है, जो कि हमारे समिति द्वारा दिनांक 18/5/2020 से निरंतर चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिवस आज दिनांक 20/5/2020 को हमारे समिति के द्वारा भोजन के 1500 पैकेट तथा पानी के बोतल, जो कि आप देख रहे हैं सामने, 3000 बोतलों का व्यवस्था किया गया है। ये हमारे मंदिर समिति के द्वारा सदस्यों तथा सहयोगियों के सहयोग से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, बिहार।